नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की मिल रही है भोपाल से, जहां पर खंडवा उपचुनाव के लिए चुनाव संचालन समिति की घोषणा की गई है। संयोजक और 2 सह संयोजकों के साथ 9 सदस्य बनाए गए हैं। यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। खंडवा से विधायक देवेंद्र वर्मा को संयोजक बनाया गया है। अर्चना चिटनी से हर्षवर्धन सिंह को सह संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, संयोजक और 2 सह संयोजकों के साथ 9 सदस्य बनाए गए हैं। कुल मिलाकर के बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बहरहाल हम आपको बता दें, भोपाल से बड़ी खबर है, खंडवा उपचुनाव के लिए चुनाव संचालन समिति का ऐलान किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बृजेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बृजेश, क्या कुछ जानकारी इस ऐलान को लेकर के आपके पास? बीजेपी ने खंडवा लोकसभा के लिए जो उपचुनाव चल रहे हैं उसमें चुनाव संचालन समिति का ऐलान किया है। हालांकि हर विधानसभा के पहले से ही जो 8 विधानसभा इस पूरे खंडवा लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, इनके लिए पहले से प्रभारी नियुक्त किए गए थे, लेकिन अब चुनाव संचालन समिति की घोषणा की गई है और इसमें 1 संयोजक और 2 सह संयोजकों के अलावा 9 सदस्य बनाए गए हैं। संयोजक जो है विधायक देवेंद्र वर्मा को बनाए गए हैं और सह संयोजक अर्चना चिटनिश और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हर्षवर्धन सिंह को बनाया गया है। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में 1 संयोजक और सदस्य बनाए गए हैं। कुल मिलाकर अब खंडवा के लिए और जमावट मजबूत बीजेपी ने कर दी है। बिल्कुल ब्रजेश, ये अगर इनको नामों के हिसाब से देखा जाए तो कैसे देखें हम इसको, किस तरीके का एक संयोजन इसमें भी कायम करने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, देखिए कुछ नाराज चल रहे नेता थे, उनको भी संयोजक विधानसभा बार बनाए गए हैं और कोऑर्डिनेशन की यहाँ पर थोड़ी कमी देखी जा रही थी। ये भी बीजेपी के पास लगातार फीडबैक आ रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है मैनेजमेंट उसका हो नहीं पा रहा है। कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज होने के बावजूद सही तरीके से संचालन चुनाव अभियान का प्रचार का नहीं हो रहा है, इसलिए ये अलग अलग इलाकों के लिए जिम्मेदारी तय की गई है और ये तय किया गया है कि रूटीन पर डे बैठक करके ये चुनाव संचालन समिति जो है वो पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगी और समीक्षा पूरे दिन भर के कामों की करेगी। बिल्कुल ब्रजेश, जिससे कि अर्चना चिटनी हर्षवर्धन सिंह को सह संयोजक की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।